Assalamualaikum खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम मंजूरी टू आईना बाथरूम व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और अभी जो वक्त हुआ है 11 महीने में 10 मिनट हैं। सो गाइस, आज जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई हैव एन एग्जाम टुडे व्हिच इज़ डीवी। डीवी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डेटा विजुलाइजेशन। और 12 बजे जो है मेरा एग्जाम है आज, और मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं अपलोड किया था। सोचा मैं आज जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए, तो फिर आपको भी दिखाते हैं कि जर्मनी में एग्जाम्स का क्या सिस्टम है। तो बस अपना निकलते हैं क्योंकि 10-15 मिनट बाद मेरी बस है, तो फिर बस में बैठते हैं, फिर जाते हैं एग्जाम देने, और फिर देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो अभी हमने यहाँ पे बैग रख दिया है और यहाँ बैठ गए हैं, और जो हमारा पेपर है वो उन्हीं स्पॉट के अंदर है, और यहाँ पे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, और फिर हम जाएंगे अपना पेपर देने के लिए क्योंकि हमारा पेपर ये उन्हीं स्पॉट हाले के अंदर है। जैसे स्टूडेंट्स कुछ जा रहे हैं, कुछ बाहर बैठे हुए आखिरी टाइम पर रटे मार रहे हैं, कुछ धूप सेक रहे हैं हमारी तरह। ये एक और शाहकार हमारे पास आते हुए। पेपर की तैयारी कैसी है तुम्हारी? ओब्वियसली ब्रो, नाज़रीन बस हमारा आज पेपर है डाटा विजुलाइजेशन का, और तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक घंटे का पेपर है, तो देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, जो भी होगा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लाइन लग के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी भी है, और बहुत सारे लगे हुए पेपर देने। ओके, रेडी है जाने के लिए पेपर देने के लिए? लास्ट मोमेंट ट्यूशन तुम ना गलत लोगों से फिर रहे हो। अच्छा हुआ, और अभी जो है भूख लगी है। हमने जो थोड़ा बहुत खाया था वो सुबह 7 बजे खाया था, और अभी जो है एक डेढ़ बज रहा है, और अभी हम जो है ना दोबारा से नाश्ता करने लगे हैं। और ये अंडा हमने ले लिया है, अभी हम अंडे को तोड़ के डालते हैं इसके ऊपर, और साथ जो है हमने चाय रखी हुई है। अभी जो है हम लोग ये अंडा को फ्राई करेंगे और इसको खाएँगे, क्योंकि भूख बहुत लगी है। पहले पेट पूजा, बाद से काम पूजा, पहले हम खाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। सो गाइज, फाइनली जो है मैं घर पहुंच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जो है मेरा प्लान है कुछ खाना बनाने का क्योंकि भूख लगी हुई है। मैंने पता है मैंने सुबह नाश्ता किया है, फिर उसके बाद दोपहर को भी कोई 12 बजे खाना खाया, और अभी जो है 5 बजे फिर भूख लग गई है। क्या करें सर, भूख लगती है ना, फिर इंसान है। तो जो बेसिकली मैंने बनाना नहीं था, अभी मुझे ऐसे कोई खा इतनी भूख नहीं लगी हुई, तो लेकिन जो मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो किसी बिल्डिंग में रहते हैं नीचे, तो उनका पेपर है तो वो बना नहीं सकते क्योंकि वो अपने पेपर की तैयारी में मसरूफ़ हैं। सो मैंने सोचा कि मैं बना लूँ, तो आज जो है हम बना रहे हैं चना चावल, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि चना चावल बनाते कैसे हैं और उसके बाद फिर उसको खाते कैसे हैं। तो फिर शुरू करते हैं फिर आज की रेसिपी चना चावल। सो गाइस, हमारे जो अपना प्याज हैं वो अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं, और इसमें हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। सो नाउ वी विल ऐड अपना टमाटर विच इज़ राइट ओवर देयर,
और इसके बाद हम इसको बीच में करेंगे, क्योंकि हम एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से हमने टमाटर पकड़े हुए हैं। सो एक हाथ से हमने ये डाल दिया सारा, और ये नहीं जाना चाहिए बीच में, इसको पीछे कर लो यार आप। तो अच्छी तरह जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसका अच्छी तरह वो बन जाए, पेस्ट टाइप बन जाए। जी मुझे पता नहीं है कि टेक्निकल टर्म्स कौन सी यूज़ होती हैं इसके अंदर। सो बाजी मिक्सिंग करनी है इसका, यही स्टेप है अभी। अब इसके अंदर बाकी हम मसाला जार जो हैं वो ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह पका लेंगे। तो पकाते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप, फिर हम आपको गाइड करेंगे कैसे आपने चना वाले चावल बनाने हैं अच्छी तरीके से। गाइस ये हमने चने दे दिए हैं, बेसिकली चने होते हैं यानी पहले से ही बॉयल मिल जाते हैं, तो हमें इसको बॉयल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे हमारा टाइम भी अपना बच जाता है। तो ये इसका डब्बा जिसमें हम मिलते हैं, और अभी जो है मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसमें हम लोग ये चने ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। इसको हम मिक्स करके इसको पका लेंगे। पकाने का मतलब जो है, अगर टेक्निकल काम में देखा जाए तो भून लेंगे इसको अच्छी तरह, ताकि ये और ज़्यादा चने जो हैं वो टेंडर हो जाएं, और देन उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और जितना हमने चावल खाना होगा उस हिसाब से पानी जो है इसके अंदर होना चाहिए। गाइस हमारा जो है किचन को देख के आपने हमें जज नहीं करना, लड़कों का किचन ऐसे ही होता है। सो अभी जो है चावलों के लिए जो पानी हमने रखा था वो उबल चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये पानी जो है थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास चावल भी जो है ना थोड़े ज़्यादा हैं। अब ये देखें ना, आ गए ना यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें बस अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और कहाँ है हमारा चम्मच, चम्मच ले रहा, और ये हमने अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम जो इसका पानी है वो इसको यहाँ से उड़ा देंगे जब तक ये चावल जो हैं थोड़े से नरम भी हो जाएंगे। मैं बहुत बुरा शेफ हूँ आई नो, मुझे बताना नहीं आ रहा है कैसे बनाते हैं चावल, लेकिन ऐसे ही बनाते हैं। तो बनने के बाद फिर हम टेस्ट करवाएंगे अपने भाइयों से और फिर पूछेंगे कि वो कैसा है, बना कैसा है। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं, चावल जो है अभी दम वाली कंडीशन में आ चुके हैं, तो अभी हम लगाने लगे हैं दम। दम लगाने से पहले जो है हम फॉइल के ऊपर इसके ऊपर माप लेंगे कि ये, हाँ ओके ऐसे। तो अभी जो है हम ये फॉइल पेपर से इसको ढक देंगे, और उसके बाद ये हमने लगा दिया इसका ऊपर दम, और इसको हम कवर कर देंगे साइडों से भी, ताकि जो एयर है वो किसी भी साइड से बाहर ना निकले, अंदर ही जो है वो चावल अच्छी तरह बन जाए। और जो चूल्हा है इसकी आग को हम दम वाली आग पे कर देंगे, ये वन और 10 मिनट जो है हम इसको दम लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो चावल है उतनी देर में नरम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ढक्कन खुलता है, तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। सो गाइस फाइनली जी हमारा फूड जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, इसको हम हटाते हैं ऐसे भाई उठाइए ज़रा। तो जी ये फाइनल लुक है चावलों का, माशाल्लाह देखने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है थोड़े अपना फीके फीके लुक आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, खा के चेक करेंगे कैसा है। सो अभी हमारे साथ हैं ताहिर भाई और ये हैं हमारे हसीब भाई, दोनों भाई कराची से हैं, और मुझे तो आपने देखा हुआ है। तो अभी हम इसको खाते हैं, फिर बताते हैं कि ये कैसा बना है। आप लोगों ने सही वाला रिव्यू देना है। डन है, डन है, ओके मिलते हैं ब्रेक के बाद। माशाल्लाह नीचे से जल गए क्या जी हसीब भाई, कैसी लग रहे हैं आपको चावल? राइस बहुत मजे के हैं और हर चीज परफेक्ट है इसमें। मतलब अच्छा है कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं बहुत अच्छे बने। अच्छा बहुत झूठ बोलता है, तो आप खा के बताएं ना फिर कैसे हैं। गरम गरम हो रहे हैं। अच्छा चले कोई नहीं, थोड़े से गरम कर लो और ठंडे कर लें फिर खा लें। ठंडे करके खा के बताएंगे आपको। ओके यार ये लोग मुझे वो नहीं करने दे रहे, खाना नहीं खाने दे रहे तुम्हारी आवाज़ में। अरे खाओ खाओ ना, अरे एक वाह भी लो यार। हाँ, तो चलो कोई अभी खाओ। आपने जी 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 रिकॉर्ड पे बताए ना, एक चम्मच लें और पता लगे कैसे हैं, फूके मार मार के खा लें जबरदस्ती जी जी। तो कैसी है ये? एक नंबर। ओके चलो फिर आप, इन्होंने तो दे दिया, मैं मेरे रिव्यू की क्या जरूरत है। सो मैं भी खाता हूँ इसको। सो गाइस खाना शाना हमने खा लिया है, और अभी मैं निकला हूँ बाहर वॉक के लिए। और जब मैं वॉक के लिए बाहर निकला तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि हम घर में गोलगप्पे बना रहे हैं, सो आ जाओ। मैंने कहा नेकी और पूछ हैं, तो फिर हम जा रहे हैं उसके घर, वहाँ जाके खाएंगे गोलगप्पे। और उनके घर जा रहा हूँ तो मैंने ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, सांस चढ़ गई है। उनके लिए मैंने चना चावल भी ले लिए, बंदा किसी के घर जाता तो खा लिया तो अच्छा नहीं ना लगता। तो अभी मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, ओह नीचे वो चेक करें कितनी ऊपर आ गया हूँ मैं।
ये सामने जो चोटी है उसके ऊपर अब तो ये आ गई है यार, ये कोई तकरीबन 10 माले होंगे। और बस मैं जा रहा हूँ उनके घर और देखते हैं कि उन्होंने कैसे बनाए हैं, खुद भी खाएंगे आपको भी दिखाएंगे, खिला तो नहीं ना सकते। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और ये बॉयज़ यहाँ पे जो हैं हमारे, एक साउथ इंडियन फ्रेंड है ये हमारे, वो बाकी जो है वो नॉर्थ इंडियन है। आई गेस नॉर्थ इंडियन ही हो ना यार? ओके तो ये जो है हम लोग यहाँ पे गोलगप्पे बना रहे हैं। इंडियन है हम, तो मैंने जब हॉकी मूवी देखी थी उसमें तो कहते थे हम जलंधर की टीम से हैं, कोई कहता है हम दिल्ली की टीम से। अच्छा माशाल्लाह यार ये जल गया यार ये। हाँ वो का प्रॉब्लम है। अच्छा जो यार जो भी जला है वो सुना। ओके ओके सो गाइस देखने में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं और खा के भी हम देखें उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे ये। गुड लक गाइस, अच्छे अच्छे बनाओ। आज सरहद पार जो है ना आपका जायके का कंपटीशन है। गुड गुड गुड। तो गाइस आपको आज का व्लॉग के अंदर सिर्फ खाना और सुबह के टाइम एग्जाम ही देखने को मिला होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरे खाने की रेसिपी है वो भी अच्छी लगी होगी जो मैंने थोड़ी थोड़ी बताई है। तो बस ये आज का व्लॉग है वो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अपने ख्याल का इजहार जो है करने के लिए हमारी वीडियो के नीचे एक कॉमेंट बॉक्स है, उसमें अपने ख्याल का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और तब तक के लिए आपको फिर हम अपना बाय बाय कहते हैं, अपना खुदा हाफिज़ कहते हैं, मिलते हैं आपको एक नए दिन एक नई सुबह के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और देखना ना भूलिए अवैस विश्व ब्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।